एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक यम्मी सा सैलेड, जिसके लिए हमने देखी पत्ता गोभी को लच्छे में काट लिया है, छोटी सी पत्ता गोभी थी, एक गाजर को काट लिया है, एक छोटी शिमला मिर्च को काट लिया है, एक खीरे को ग्रेट कर लिया है, एक प्याज को कर लिया है, और ये हंकर्ड है, इसको हम ना थोड़ा सा ऐसे बीट कर लेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा ऑलिव ऑयल। क्वांटिटी ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा ये नमक है, चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर पाउडर है, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला लिया है एक अलग सा फ्लेवर देने के लिए। हल्का सा हम इसमें डालेंगे हनी, और इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे इसमें लेमन की, क्योंकि हल्का ये हनी डाला है, लेमन है, तो इसका ना खट्टा मीठा टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा आता है इस डिप में। ये देखिए, इस टाइप से हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, और कोई कुछ नहीं करना है, बस ये डिप जो है आप सैलेड में मिला देंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। और बस अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। कितना झटपट बनने वाला ये सैलेड है, और मैं आपको बताऊं, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, डाइट पर हैं, तो आप इवनिंग में ये सैलेड खाइए। वैसे भी हमें बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें अपने खाने में। इसमें हम कटा हुआ धनिया भी डालेंगे, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और अब देखिए हमने इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है। हमने नमक वगैरह टेस्ट करके देख लिया है, बहुत ही बढ़िया है, और हमारा सैलेड जो है वो रेडी है सर्व करने के लिए। तो हम अपना सैलेड जो है वो सर्व करते हैं। बहुत ही यम्मी है, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सैलेड आपको कैसा लगा। देखिए कितना बढ़िया, मेयोनीज यूज नहीं करते हैं, जो मेयोनीज नहीं खाते हैं वो इस तरह से हेल्दी सैलेड घर का बना हुआ बना सकते हैं, सर्व करते हैं और आपसे मिलते हैं। और ये देखिए हमारा यम्मी सा सैलेड बनकर तैयार है, जरूर ट्राई कीजिएगा, हेल्दी है और फुलफिल करता है आपको, भूख नहीं लगती जल्दी से, तो आप डिनर में ये ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।